दोस्तों कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था H96 Max का, इसका अनबॉक्सिंग किया था और अपना रिव्यू भी दिया था। और उस वीडियो में एक कमेंट आया, बहुत ही बेहतरीन कमेंट है और काफ़ी यूजफुल है, तो सोचा मैंने उस पर कि वीडियो बनाना चाहिए। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप CTS Play एक ऐप है जिसके थ्रू आप मोबाइल को रिमोट बना सकते हो, इसी के साथ ही साथ इस ऐप में, इस डिवाइस में आप कास्टिंग कैसे कर सकते हो और ब्लूटूथ फीचर्स के बारे में। तो आज ये तीनों चीज़ों को कवर करेंगे इसी वीडियो में और बताएंगे सब कुछ डिटेल में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इसी के साथ साथ घंटी बजाइए टन टनाटन और शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हो हैप्पी गाइड, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने H96 Max अगर इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू नहीं देखा तो आई बटन पे दे दूंगा, वहां से आप देख लीजिए, आपको फुल डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि हमारे जो सब्सक्राइबर है या फिर बोल सकते हो हमारे हैप्पी गाइड फैमिली मेंबर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा कमेंट दिया, तो उनका नाम मैं वीडियो के एंड में लेने वाला हूं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो जरूर एक लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना कि येस आई एम देयर। सो हमें बहुत खुशी होगी क्योंकि आपका जो कमेंट है मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा हुआ। तो दोस्तों आप बात कर लेते कैसे आप CTS Play ऐप यूज करके आपका जो S96 Max एंड्रॉइड बॉक्स के अंदर जो रिमोट दिया हुआ है उसको हटा के आपका जो स्मार्टफोन है उसको आप रिमोट बना के कैसे ऑपरेट कर सकते हो। तो इसका प्रोसेस एकदम सिंपल है, बहुत ही इजी है, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, आप अच्छे से देखिए और मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते आप फॉलो भी कर सकते हो। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1, आपको जाना है आपके टीवी में और वहां पे प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में टाइप करना है CTS Play और वहां पर ये रिसीवर वाला ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है और उस ऐप को इंस्टॉल करना है। तो यहां आपके टीवी में आपको जो ऐप इंस्टॉल होगा CTS Play रिसीवर वाला इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आपका ये CTS Play रिसीवर ऐप आपके टीवी में इंस्टॉल होता है आपको जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद डिवाइसेस प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद वहां पर आपको कीबोर्ड जो सिलेक्ट करना है वो CTS Play इनपुट सिलेक्ट करना है। तो आप मैनेज कीबोर्ड का जो ऑप्शन है उसमें आप CTS Play इनपुट सिलेक्ट कर लीजिए, आपको स्क्रीन पे आइकन दिख जाएगा कौन सा ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। और इसी के साथ ही साथ कीबोर्ड ऑटोफिल का जो ऑप्शन है वहां पर आपका CTS Play ऐप सेटिंग अनेबल कर लीजिए। तो इतना स्टेप्स होने के बाद करंट कीबोर्ड में जाना है और कीबोर्ड भी वहां पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेना है आपको CTS Play इनपुट का। तो ये तीन चीजें आपको परफॉर्म करनी है सबसे पहले। और जैसे ही आप ये सेटिंग्स कंप्लीट करते हो तो आपको स्क्रीन पे कुछ ऐसा देखने मिलेगा जो आप अभी देख रहे हो, मतलब आपकी जो सेटिंग्स है प्रॉपर हो चुकी है। तो एक लाइक इसी पे बनता है। CTS Play ऐप रिसीवर जब आप डाउनलोड करोगे आपकी टीवी में इंस्टॉल करोगे तो उसमें जो भी ऑप्शन पूछ रहा है हर चीज को आपको अलाउ करना है, कोई भी चीज को डिनाय या फिर नो नहीं करना है। तो स्टार्टिंग में आपको हर एक ऑप्शन को अलाउ करना है। और आपके टीवी में जो CTS Play रिसीवर है वो ऐप इंस्टॉल हो चुका है, तो आपको क्या करना है आपके मोबाइल में भी एक ऐप इंस्टॉल करना है जो CTS Play सेंडर होगा। तो यहां पर आपको जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको टाइप करना है CTS Play और यहां पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है सेंडर वाला वो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल करना है, वहां पे भी सेम प्रोसीजर, आपको हर चीज को अलाउ करना है, कुछ भी नो नहीं करना है स्टार्टिंग में। और आपका ये सिलेक्ट होने के बाद आपको कुछ ऐप इस तरह का देखने मिलेगा। सो यहाँ पर आपके टीवी में CTS रिसीवर इंस्टॉल हो गया और आपके जो मोबाइल है उसमें सेंडर इंस्टॉल हो गया, तो दोनों इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गए। तो अब आपको करना क्या है, आप इसको कनेक्ट कैसे करें, इसका जो ब्रिज है वो कैसे कनेक्ट हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जाना है वो ऐप ओपन करना है CTS Play रिसीवर आपके टीवी में और साइमल्टेनियसली आपके मोबाइल में भी ओपन होना चाहिए। ओपन होने के बाद आपको सिर्फ उसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये IP दिख रहा है 192 या समथिंग जो भी है, उसको आपके मोबाइल से कनेक्ट करना है। आपके मोबाइल पे जो आपको स्क्रीन दिख रही है इससे बस कनेक्ट करना है। तो ये आपका जो ब्रिज है मोबाइल से टीवी का ये पूरा ब्रिज बन चुका है, आप कनेक्टेड हो चुके हो। तो यहां पर आपका पूरा कनेक्शन रेडी है, अब आपको ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए आपको बहुत सारे फीचर मिल जाते हैं, मतलब सेम आपका जो रिमोट है उसी ढंग से एक पूरा का पूरा UI दिया हुआ है। इसी के साथ माउस मोड का ऑप्शन मिल जाता है, गेम मोड का ऑप्शन मिल जाता है और बहुत तीन चार तरह के अलग अलग टाइप्स दिए हुए जिसके थ्रू आप रिमोट को सो जैसे आपका टीवी कनेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के ऑप्शन देखने मिल जाएंगे रिमोट से रिलेटेड, जैसे डीपैड मोड, माउस मोड, गेम मोड और भी बहुत सारे न्यूमेरिक मोड, कीबोर्ड मोड बहुत सारे हैं। तो ये सब आप अच्छे से यूज कर सकते हो, आपका जो रिमोट है आपका जो रिमोट वो हटा सकते हो और आपका मोबाइल के थ्रू आप पूरा अच्छे से ऑपरेट करके आपको टीवी इंजॉय कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा ऐप है जिसके थ्रू आप पूरा, मतलब बोलते हैं ना, रिमोट को साइड में रखो आपके मोबाइल से ऑपरेट करो। लेकिन यहां पर
एक बहुत बड़ा लूप होल है, मतलब या लूप होल बोलो या फिर बोल सकते हो बहुत बड़ा बग है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। मुझे नहीं पता कि ये शायद मेरे साथ ही हो रहा है कि आप लोगों के साथ भी हो सकता है जो मैंने एक्सपीरियंस किया। तो जब मैं ये ऐप यूज कर रहा था कनेक्ट करने के टाइम पे अपने मोबाइल से, तो काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी, मतलब माउस मोड चल रहा था अच्छी तरह से, लेकिन बाकी अगर मैं क्लिक करना चाहूँ या फिर मुझे कुछ ओपन करना है तो उस टाइम में प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आप ये ऐप यूज कर रहे हो या फिर आपने ये पहले से यूज किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ऐसा रहा आपका एक्सपीरियंस। मैं जानना चाहता हूँ ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रही है या फिर सिर्फ आप लोग को भी हो रही है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा, तो प्लीज कमेंट जरूर बताइए। इसी के साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि जो CTS Play ऐप है S96 Max का जो ये वर्जन है या फिर बोल सकते हो इस एंड्रॉइड बॉक्स के साथ पार्शियली कंपैटिबल है, मतलब कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन ढंग से काम नहीं करता, मतलब कुछ कुछ चीजें मतलब आपको ओके करना है तो ओके में काम नहीं करेगा लेकिन माउस नेविगेशन में प्रॉपर चलता है। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें और गेम मोड जो दिया हुआ उसमें आप गेम तो आप खेल पाओगे लेकिन जो जॉस्टिक है वो ढंग से काम नहीं करता। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि CTS Play आपके लिए, मतलब अगर आप ये S96 Max है उसके लिए कंपैटिबल नहीं है या फिर बोल सकते हो पार्शियली कंपैटिबल है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, तो आप CTS Play आप अच्छे से नहीं यूज कर पाओगे इस ऐप में। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं सेकंड फीचर के बारे में, मतलब कैसे आप कास्टिंग कर सकते हो, मतलब कास्टिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले तो कास्टिंग का मतलब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप सभी को, क्योंकि कास्टिंग से होगा कि आपके जो मोबाइल का कंटेंट है आप सीधा का सीधा पूरा का पूरा मोबाइल आप टीवी पे देख सकते हो। तो ये पॉसिबल कैसे है, तो पॉसिबल करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको आपके जो आपके टीवी में जो ऐप है उसमें एयर स्क्रीन का एक ऑप्शन है तो वो सिलेक्ट करना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो सिलेक्ट कीजिए। एयर स्क्रीन ओपन करने के बाद जैसे ही आप देखोगे वहां पे वो डिवाइस सर्च करना चालू कर देता है, तो उसी समय आपको आपके मोबाइल में जो कास्टिंग का फीचर है वो ऑन करना है, और उसके बाद बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल में वो डिटेक्ट करता है कि क्या आईडी है उस पर्टिकुलर टीवी का, तो बस उसको सेलेक्ट करना है और कनेक्ट करना है, तो बस ये सिंपल स्टेप है। अब इसका फायदा क्या होगा कि इसका फायदा यह है कि भाई अगर आपका कुछ मोबाइल का डेटा है या फिर मोबाइल का कंटेंट आप देखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप कुछ यूट्यूब पे देख रहे हो मेरे हमारे हैप्पी गेट फैमिली के वीडियो देख रहे हो, तो फिर अगर वीडियो देख रहे हो तो आप डायरेक्टली आप टीवी पे देख सकते हो। उसी के साथ साथ अगर व्हाट्सएप कॉल करना चाहते हो कि पूरी फैमिली बैठ के एक साथ में कॉल ज्वाइन करे, हाँ ऑडियो के लिए आपको सिर्फ मोबाइल का ही ऑडियो मिलेगा और माइक भी वहीं पर काम करेगा, लेकिन आपको जो देखने के लिए आपको जो बड़े स्क्रीन पे देखना है तो फिर वो काम आपके टीवी में मिल जाएगा, मतलब आपको बड़े स्क्रीन पे व्हाट्सएप कॉलिंग देखने मिलेगी। इसी के साथ ही साथ आप टिकटॉक वीडियोस देख सकते हो, मतलब पूरा का पूरा मोबाइल आप अच्छे से ऑपरेट कर सकते हो, यहां तक कॉल भी प्लेस कर सकते हो, मतलब कॉल भी लगा सकते हो, बात कर सकते हो, तो बहुत अच्छा फीचर होगा कास्टिंग का इस S96। तो ये 100% कंपैटिबल है, सबसे परफेक्ट है और बहुत अच्छी तरह से काम करता है, तो इसमें मैं 10 out of 10 देना चाहूंगा इस कास्टिंग फीचर को S96 Max के बॉक्स में या एंड्रॉइड बॉक्स में। और दोस्तों आप यूज कर रहे हो कास्टिंग फीचर और आपको इनकेस एग्जिट होना, तो इसके एग्जिट होने के लिए भी सिंपल प्रोसेस है, आपको सिर्फ आपके फोन में कास्टिंग का जो फीचर है उसको ऑफ करना है, और इसी के साथ ही साथ बस आपका जो रिमोट है उसको होम बटन पे आ जाओ, बस काम खत्म है, डेंचर जा। और दोस्तों आप बात कर लेते हैं तीसरे और आखिरी फीचर के बारे में जो ब्लूटूथ का है, तो काफी लोगों को लगता है कि इस एंड्रॉइड बॉक्स के जरिए मतलब S96 Max के जरिए आप ब्लूटूथ को यूज नहीं कर सकते, फाइल शेयर नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है, ये 100% काम करता है, 100% इफिशियंटली इफेक्टिवली काम करता है, मैंने यूज किया अच्छी तरह से और मेरा एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा रहा। तो अब मैं बता दूं कि आप कैसे यूज कर सकते हो, तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको ओपन करना है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ ऑन हो गया, अब आपको सिर्फ आपका फोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। यूजुअली जब हम कभी भी फाइल शेयर करना होता है ब्लूटूथ के जरिए तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं फोन टू फोन, तो यहां पर फोन टू फोन नहीं है, टीवी टू फोन है, तो यहां पर पेयरिंग एकदम इजी है, सिंपल प्रोसेस है, तो यही सिंपल प्रोसेस फॉलो करो और उसके बाद आपका जो डिवाइस है मोबाइल डिवाइस आपका टीवी से कनेक्ट हो जाता है, तो यहां पर कनेक्शन इज सक्सेसफुल कनेक्टेड और इसी पे एक लाइक बनता है टिंग टकट। तो यहां पर कनेक्शन हो गया सक्सेसफुल, मतलब ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया आपके स्मार्टफोन से। अब आपको कुछ फाइल या कुछ फोटो शेयर करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक मेरा फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे टीम आउटिंग का फोटो है, तो उसके बाद ये फोटो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको जाना है बस शेयर वाया ब्लूटूथ, शेयर वाया ब्लूटूथ करने के बाद आपको टीवी में ऑप्शन आएगा एक्सेप्ट या रिजेक्ट का, तो आपको टीवी में सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट, रिजेक्ट करोगे तो ऑफकोर्स कैसे होगा यार, तो फिर आपको टीवी में सिलेक्ट करना है एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब 1-2-3 MB का मेरा MS था उसको टाइम लगे थे कम से कम 2 मिनट,
2 मिनट नहीं, एक ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 मिनट के अंदर वो शेयर हो गया था, तो 1 मिनट लगे उसको शेयर होने के लिए और मेरे टीवी में वो मेरा फोटो पहुंच गया। आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि ये मेरे, मैंने फोटो शेयर किया था और आपके मेरे टीवी में दिख रहा है। सो अब यहाँ पे आपके टीवी में फोटो तो पहुंच गया, अब उसको व्यू कैसे करें या फिर कहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर ब्लूटूथ के अंदर जो ऑप्शन है डिस्प्ले रिसीव फाइल का, उसको क्लिक करना है या फिर उस ऑप्शन को जाके ओपन कीजिए। वहां पे आपको सारे जितने भी आपने ब्लूटूथ के जरिए आपने जो भी फाइल शेयर किए सब के सब आपको दिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस ढंग से आप सब कुछ अच्छे से शेयर कर सकते हो ब्लूटूथ के जरिए इस H96 Max Android Box के अंदर। तो ये चीज परफेक्टली काम करती बहुत अच्छी तरह से। तो दोस्तों हमने देखा कि CTS Play ऐप को कैसे कनेक्ट करते हैं, कास्टिंग फीचर किस ढंग से काम करता है और इसी के साथ साथ ब्लूटूथ फीचर के बारे में भी डिस्कस किया किस ढंग से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं समराइज करूँ तो यहाँ पे जो CTS Play ऐप है वो अच्छे से काम नहीं करता, मैं बोल सकता हूँ पार्शली काम करता है, कुछ कुछ फीचर काम करते हैं कुछ कुछ नहीं करते, तो वो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं हुआ या मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो ऐप यूज कीजिए क्योंकि आपको मेरी तरह प्रॉब्लम फेस करेंगे, दबा दबा के दिमाग खराब हो गया था यार। उसके बाद फिलहाल मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, आप कास्टिंग का फीचर यूज कीजिए, बहुत जबरदस्त लगा मुझे, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसी के साथ ही साथ अगर ब्लूटूथ शेयरिंग का जो ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है, ब्लूटूथ के जरिए आप कुछ भी फाइल ट्रांसफर करके देख सकते हो आपके टीवी में। और ये वीडियो को सजेस्ट किया था हमारे सब्सक्राइबर ने या हमारे हैप्पी गाइड फैमिली में, इनका नाम आप देख सकते हो, इन्होंने कमेंट किया था हमारे वीडियो पे, तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट। और आप भी अगर हमारे फैमिली में जुड़ना चाहते हो तो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए सारे वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। और अगर आपको कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो इस वीडियो से लेके तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी के साथ ही साथ अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ या फिर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर टॉपिक में फोकस करूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और इसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव हो या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ भी इशू हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी के साथ साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एक वीडियो बनाने के लिए काफी मेहनत लगती है, तो जरा लाइक जोर से ठोको और ग्रे बटन को ब्लू करके ही जाओ। और इसी के साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करना, सब्सक्राइब कीजिए हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, और आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड, बाय बाय। और इसी के साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आईडी हैप्पी गाइड, बाय बाय।